में बीजेपी का टारगेट सेट है। अमित शाह ने 150 सीट जीतने का टारगेट दिया है। 150 से कम की जीत कोई जीत नहीं। प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जीतने की आदत है। आप ये टारगेट पूरा कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में संकल्प दिलाया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्हें टिप्स भी दिए और साथ ही साथ कहा कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जीतने की आदत है। 150 से कम की जीत कोई जीत नहीं होती। आप ये टारगेट पूरा कर लेंगे और ये मुझे पूरा विश्वास है। तो कैबिनेट मंत्री से बात की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है और बैठक में 150 का लक्ष्य दिया है, लेकिन 150 के लक्ष्य के साथ कैसे आगे बढ़ा जाएगा? मेरे साथ भूपेन्द्र सिंह जी है, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री, साथ ही मोहन यादव जी है, उच्च शिक्षा मंत्री और उज्जैन से नेता, तमाम लोग हैं। आप देखिए सर, क्या क्या लक्ष्य रखा? देखिए हम लोगों ने कम से कम 150 सीट जीतने का आज संकल्प माननीय अमित शाह जी ने हम सबको दिलाया है और हम सब इस संकल्प के साथ यहाँ से जा रहे हैं और उनका जो मार्गदर्शन मिला है चुनाव की रणनीति की दृष्टि से और पार्टी के त्याग तपस्या और सिद्धांतों को लेकर आज यहाँ तक पहुँची है, वो भी सारा विषय उन्होंने रखा। और जो हमारे प्रमुख संकल्प थे, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उस पर हम देश में हमने काम किया। ये सब जो हमारे संकल्प थे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय के, इन सब संकल्पों को हम पूरा करने में सफल हुए हैं और अब हम गरीबों के कल्याण की जो हमारा संकल्प है उस कल्याण को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कुछ खास बात रही अमित शाह जी की, क्या कैसे जाएंगे 150 के लक्ष्य? नहीं देखिए, उन्होंने जो सारी बातें रखी हैं कि कहीं पर भी कांग्रेस हमारे मुकाबले में नहीं है, सत्य भारतीय जनता पार्टी का खुद कार्यकर्ता अगर ये महसूस कर ले तो कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है, हमें सबको ताकत से लगना है। क्या क्या कुछ खास रहा मोहन जी अमित शाह की बात? देखिए अमित शाह जी का आना ही अपने आप में पर्याप्त है और जिस प्रकार से वो शुभंकर है पूरी भाजपा के लिए, पूरी पार्टी के लिए, हम सबका सौभाग्य है। अमित शाह जी ने आज समापन किया और हम सबके लिए ऊर्जा का संचार किया। मेरी अपनी ओर से मध्यप्रदेश में उनका स्वागत है और हम सब निश्चित रूप से उनके संकल्प, कम से कम 150 सीट का संकल्प लेकर जो उनने भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट जी जिसके लिए आगामी 2024 की नींव रखी जाएगी, आह्वान किया है, मैं निश्चित रूप से कार्यकर्ता होने के नाते से उनके उस भाव का भी स्वागत करता हूं और उत्साह से सराबोर करने के लिए आभार भी मानता हूं कि निश्चित रूप से पांचवी बार सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचेगी। युवाओं के लिए क्या कहा अमित शाह? ये जो पूरा चुनाव है इसमें यदि कोई महत्वपूर्ण घटक रहने वाला है तो वो युवा रहने वाले हैं। आज आदरणीय अमित शाह जी ने अपने भाषण में इस बात का कई बार उल्लेख किया और ये बात कही कि हम चार पीढ़ियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें एक पीढ़ी हमारी युवा मोर्चा की भी है जो इस पार्टी को आगे लेकर जाएगी। तो आदरणीय अमित शाह जी ने आज युवाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी के साथ विश्वास जताया है कि इस चुनाव में यदि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली तो युवाओं की रहने वाली। कुछ लक्ष्य तय किया, कुछ बात कही उन्होंने? हाँ, लक्ष्य तय किया, आगामी सदस्यता अभियान में एक बड़ी भूमिका युवा मोर्चा कार्यकर्ता निभाएंगे। जो हमारे पहली बार मतदान करने वाले लोग हैं उन लोगों के बीच में सदस्यता का अभियान बहुत बड़े स्तर पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में निभाएंगे। जो बातें कही गई उसका यदि पूरा हम दारोमदार देखें तो एक ही चीज है कि अब की बार 150 पार। नागिन के साथ मनोज सैनी, बंसल लूच, ग्वालियर। और इसी के साथ पूर्व मंत्री रही अर्चना जी से भी बात की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। महिलाओं की क्या भूमिका रहने वाली? कुछ बात की होगी, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आई। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास उसकी बात करने वाली पार्टी है और जब देश की बात करते हैं, होलिस्टिक बात करते हैं, तब हम क्षेत्र में, भाषा में, स्त्री पुरुष में विभाजित करके बात नहीं करते, तब सारे देश को एक साथ देखते हैं, एक साथ सपना देखते हैं और एक साथ उसको साकार करते हैं। तो क्या कहा, क्या अमित शाह जी ने क्या कहा? जीतना है, जीतना हमारी परंपरा है, जीतना हमारा लक्ष्य है और जीतना विजय हमारा स्वभाव है। तरह अमित शाह जी ने ऊर्जा भरने का काम किया है, कार्यकर्ताओं में एक जान डालने का प्रयास किया है वो नजर आ रहा है और एक एक कार्यकर्ताओं के चेहरे पर इस समय आप एक अलग तरह का भाव भी देख सकते हैं और भाव के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अब की बार
150 पार। नागेद के साथ अलोक सैनी, बसरी ग्वालियर।